श्री दत्तः प्रसन्नोस्तु, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन। श्रीरंग पत्र मंजूषा पत्र 56 अहमदाबाद गुरुवार सवार तारीख 17/4/1925। भाई मोदी, दसेक दिवस थी कांकरिया ने गुफा में रहवा गयो छू। आज गुरुवार होवाथी घेर आव्यो छू। तमारी चिट्ठी तथा पुस्तक मळ्या, मैं लख्या वगर तमे पैसा मोकलाव्या, ए ठीक न कर्यु। मारे पैसानी अत्यारे बिल्कुल जरूर नथी, एटले मनी ऑर्डर पाछो मोकलाव्यो छे। माटे माठू लगाड़शो नहीं, ईश्वर अत्यंत दयाळु छे, एनी दयानो परचो वारंवार आव्या ज करे छे। नौकरी छोड़ी राम भरोसे घेर बैठो, पण कोई जातनी तंगी नथी। नौकरी छोड़ी ने थोड़ा दिवस पछी बानी तबियत अत्यंत लथड़ी गई। फेब्रुआरी नो चढ़ेलो पगार पण आव्यो न हतो, लाग्यू के मन की मन में रही जसे, पण दत्त महाराजे मेहर करी, एकदम 70-75 रुपयाना पुस्तकों गया। जो के शाळाओ तो बधी फेरवाई गई छे, थोड़ा दिवस पछी चढ़ेलो पगार पण आवी गयो। एक जणे वात वात में 6 गोळीओ आपी ने बाने पण एकदम आराम थई गयो। कांकरियाथी शुरुआत में 2-4 दिवस घेर जमवा आवतो, पछी थी तो एक देवदूते त्यां ज खूब आग्रहपूर्वक आँख में प्रेमाश्रु आणीने जमवानी व्यवस्था करी। आखू कुटुंब खूब प्रेमाळ अने भाविक छे अने मारे माटे खूब तकलीफ उठावे छे। मारे अने एमनो पूर्व परिचय मात्र 1-2 वखत 5-7 मिनिट वातचीतनो छे। बधी ईश्वरनी लीला छे, આપણે કેવળ નિમિત્ત માત્ર છીએ। એવી દ્રઢ માત્ર મોઢાની જ નહીં પણ મનની શ્રદ્ધા પણ કેળવવી જોઈએ। થોડાક દિવસ પર કાકા સાહેબને મળવાનું થયું હતું। મારી સંસ્કૃત ટીકાથી તેઓ ખૂબ પ્રસન્ન થયા। વર્ધા અથવા આશ્રમમાં રહેવાનો પાછો આગ્રહ થયો। પૂર્ણ એકાંત અને સંસ્કૃત લાઇબ્રેરી વગેરે સર્વ સગવડ પૂરી પાડવા કહ્યું, પણ વિચાર કરીને કહીશ એમ કહી નાસી છૂટ્યો। ને નાઠો તે પાછો હાથમાં શાને આવે? લંબાણથી હવે પછીના પત્રમાં સર્વન પ્રણામ પાંડુરંગ અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત।